का 11 अध्याय 23 पद से 26 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थ का 11 अध्याय 23 से 26 पद तक पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा कि ये मेरी देह है तो तुम्हारे लिए है, उसने कहा मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, कटोरा भी लिया, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है। प्रभु ने बोला कटोरे के लिए ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही करो। छब्बीस सवाल पौलुस कहता, अब पौलुस जो है वो प्रभु भोज के मायने को बताता है, प्रभु भोज के मायने बताता है। 26 पद में क्या लिखा है, जब कभी यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि ये बात जब प्रभु से पहुंची, इससे प्रभु ने खुद पौलुस के साथ बातचीत या पौलुस के दर्शन के द्वारा प्रकाशन के द्वारा इसकी जानकारी दी पौलुस को, प्रभु भोज की। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस का मीनिंग बताता है कि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, जब तक यीशु ना आए तब तक उसकी मृत्यु का प्रचार प्रेस करो। हालेलुया, ये मायने बता रहा है पौलुस। हालेलुया, सब सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं हमेशा इस वचन पर आकर अटक जाता था कि आखिर 26 पद का मतलब क्या है। आज प्रभु ने सुबह प्रार्थना में फिर मेरे सामने खोला और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। पौलुस कह रहा है कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो, आप अपनी बाइबल में क्या प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए इस बात को प्रभु की मृत्यु को प्रेस करो, प्रभु की। तो पौलुस ये नहीं बोल रहा कि यीशु कैसे मारा, वो बोल रहा यीशु क्यों मारा। हालेलुया, पौलुस इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे यीशु कैसे मारा, तो इस पर जोर दे रहे यीशु क्यों मारा। हालेलुया, तो यहाँ पर मृत्यु कहने का मतलब केवल यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन नहीं, केवल यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा जाना नहीं, यहाँ पर जब वो मृत्यु शब्द का उपयोग कर रहा है वो यीशु मसीह की मृत्यु को गाड़े जाने को और मुर्दे में से जी उठने को प्रचार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी महत्वपूर्ण बात, वो नए जन्म की बात कर रहा है। प्रेस करो, सुन रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, जल्दी निकालिए पहला कुरिन्थ 15 अध्याय, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 3 पद से हम देखेंगे पौलुस क्या कह रहे हैं। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 3 पद से, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचाई, हां जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया, फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जीवित हैं, और पर कुछ सो गए, कुछ सो गए, फिर वो याकूब को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, सब पेटों को दिखाई दिया, पेटों को दिखाई दिया, सबके बाद कुछ को भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हालेलुया। तो प्रेरितों के पहले पुत्री 11 अध्याय के 26 पद में वो जिस मृत्यु की बात कर रहा है उसका मतलब केवल मौत नहीं है, केवल यीशु मसीह की मृत्यु नहीं बोल रहा है। प्रेस करो, उसमें 3 से 4 चीजें शामिल है। हालेलुया, सबसे पहली चीज
पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा तब दिखाई दिया। प्रेस करो, हालेलुया। तब क्या हुआ? वो दिखाई दिया। प्रेस करो, दिखाई दिया। और पौलुस से जब उसकी मुलाकात हुई, पौलुस कहता है उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जब मैं इस पर ध्यान कर रहा था तो मैंने देखा यीशु मसीह ने क्या किया, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पौलुस ने क्या किया। समय नहीं मेरे पास इसे बात कर अच्छे से एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन आप जानते प्रेरितों का पहला अध्याय उसके एक पद से दो पद से लिखा है कि यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, अपने चेहरों से मिला, 40 दिन तक वो उनको दिखाई देता रहा और बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को जीवित बताया। हालेलुया, बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। हालेलुया, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने चेहरों से कहा कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जीवित रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन के कहो कि यूहन्ना ने तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम बपतिस्मा पाओगे। और आठवें पद में प्रभु ने बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य हालेलुया। और 14 पद में यहाँ पर लिखा है कि यीशु की माता मरियम और कई स्त्रियों के साथ यीशु के भाई और साथ ये सब प्रेरित को क्या करने लगे, प्रार्थना में लगे रहे। और फिर उसके दूसरे अध्याय के 1-4 पद में हम इस बात को देखते हैं कि जब वे एक जगह इकट्ठे थे तो एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर जहां पर बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सीटी में उन्हें फटकूल दिखाई दी, और उन्हें हर एक पर आग ठहरी, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य मैंने भाषा बोलने लगे। हालेलुया, उसके बाद कई लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन पत्रस ने बोला कि ये जो कुछ हुआ है वो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से बता दिया गया। 16 और 17 पद में वो पत्रस बोलता है कि ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता ने कही है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, उन दिनों में आत्मा में से उंडेलूंगा, ये भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत चिन्ह अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने बोला ये आरंभ हो जाएगा, आमीन, हालेलुया। ये दो अध्याय की बात, और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पत्रस और यूहन्ना जब मंदिर को जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने, हालेलुया, तो वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति बिठा दिया जाता था सुंदर फाटक के पास, लंगड़ा व्यक्ति जो भीख मांगता था, और वो पत्रस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा में उसकी ओर देखने लगा। तब क्या लिखा, 6 पद को पढ़िए, 3 अध्याय 6 पद पर, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल सर, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर चमत्कार के बारे में देखते हैं, जब पत्रस के हाथ से हुआ और इसके कारण सारे यरूशलेम में समाचार फैल गया, हालेलुया। विरोध में भी लोग खड़े हो गए, लेकिन सपोर्ट में भी लोग खड़े हो गए, हालेलुया। लोगों ने उसके द्वारा प्रभु को जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5वें अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर हम देखते हैं 14-15-16 पद पढ़िए, यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। तो कैसे विश्वास किया, 15 पद में क्या लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, हाँ, और खटोलों पर लिटा देते थे, और जब
इशारा उनमें से किसी पर पड़ जाए। हालेलुया। तो 14 पद में कलीसिया बड़ी लिखा, कैसे बड़ी? जब बोल, जब पतरस के हाथों से सामर्थ के बड़े बड़े काम होते थे, उसकी छाया से जब चंगाइयां होने लगी, बहुत सारे लोग प्रभु की ओर फिर आकर्षित हुए और उन्होंने यीशु को फिर ग्रहण किया। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर जो सेवक चुने गए थे, डीकन्स जो लोग थे, उसमें से दो लोग का यहाँ पर उल्लेख पाया जाता है। पहला स्तुपनस, जो कलीसिया का पहला शहीद था, स्तुपनस। उसके 6:8 पद पढ़िए, 6:7-8 पद जल्दी पढ़िए। बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया, बस ये पढ़े। बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये कौन था? ये खिलाने पिलाने की सेवा में वहां पर नियुक्त किया गया था। प्रेस करो, हालेलुया। अब 8 अध्याय में जब आते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि पौलुस तो पहले साउल था, उसका अत्याचार होने लगा, प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब लोग तितर बितर हो गए। लिखा 14 पद में लिखा, जो तितर बितर हुए थे समाचार सुनाते हुए फिलिप। हालेलुया। और फिलिप्पुस के बारे में लिखा, फिलिप्पुस जो स्तुपनस का एक साथी था, इसके बारे में क्या लिखा है? हाँ, सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। हाँ, जो बातें, ध्यान दीजिए, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उसे लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह वो दिखाता था देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाते हुए निकल गई, बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े के अच्छे। हालेलुया। और 8वें पद में लिखा है, बड़ा आनंद हुआ, लोगों ने केवल उद्धार नहीं पाया, छुटकारा और चंगाई भी। हालेलुया। और छुटकारा और चंगाई जो थी वो उनके लिए जरिया बना कि वो उद्धार प्राप्त करें, यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। और 9 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस के परिवर्तन के बारे में वहां पर लिखा है। जब पौलुस से यीशु मसीह की मुलाकात हुई, वो गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 10 अध्याय में देखते हैं पतरस को कर्नेलियुस ने अपने घर बुलाया। 10 अध्याय जब पढ़ते हैं, 9-10 में हम लोग इस बात को पाते हैं कि पतरस के हाथों से बड़े बड़े सामर्थ्य काम होने लगे, यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पौलुस की सेवकाई के बारे में हम देखते हैं, 14 अध्याय निकाले, 14 अध्याय। और इकुनियुम नाम के स्थान में पौलुस अपने साथियों के साथ गया, वहां वो प्रचार कर रहे हैं। और 14 अध्याय के 3 पद को पढ़िए। प्रभु उनके हाथों से अद्भुत चिन्ह और काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर प्रभु गवाही देता था। हालेलुया। और ये जरिया बना कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 19 अध्याय के 11 और 12 पद पढ़िए। 19 अध्याय के 11 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य अनोखे काम दिखाता था, बीमारों पर डालते थे, उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्टात्मा उनमें से निकल जाया करती थी। छोड़िए। हालेलुया। 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 अब क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं कि पौलुस यीशु मसीह की मौत का प्रचार कैसे कर रहा है। हालेलुया। क्या देख रहे हैं? पौलुस यीशु मसीह की किसका प्रचार? मृत्यु का प्रचार। पौलुस यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कैसे कर रहा है? हालेलुया। मैंने बोला मृत्यु में, मृत्यु का मतलब मौत ही नहीं, गाड़ा जाना और मुर्दों से उठना है और मुलाकात करना है। यीशु मसीह लोगों से मुलाकात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों का हृदय आश्चर्यकर्मों से आकर्षित होता है और वचनों के द्वारा जब वो वचन सुनते हैं
उनके हृदय तैयार होते हैं और वो प्रभु से मुलाकात करते हैं। हालेलुया। और भी वचन है जो है, लेकिन मैं सेवकाई के बारे में बोलता हूँ कि पौलुस की सेवकाई क्या थी। पहला पत्री दूसरा अध्याय उसके एक से चार तक को जल्दी से पढ़ें। पौलुस अपनी सेवा के बारे में क्या बोलता है, किस ढंग से वो सेवा करता था, क्या था उसकी सेवा में, पढ़िए। जब मैं परमेश्वर का भेष सुनाता हूँ तुम्हारे पास आया, उस शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह वर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ज्यादा इंपोर्टेंस न दूं, और किसी बात को ज्यादा महत्व न दूं। और फिर क्या कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ, तुम्हारे साथ रहा, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन क्या था, क्या था, आत्मा और सामर्थ्य। प्रेस द लॉर्ड। आत्मा और सामर्थ्य। हालेलुया। क्या था, आत्मा और सामर्थ्य। प्रेस द लॉर्ड। और पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में सेवा की, कुरिन्थियों की कलीसिया में सेवा की, और वहां बाइबल कहती है कि वचन का प्रकाशन और वरदानों की कोई भी खड़ी सेवा उसकी जिस कलीसिया में लेकिन। हालेलुया। क्या वचन का प्रकाशन और वरदानों का प्रकटीकरण उस सेवा में कभी नहीं थी। हालेलुया। और पौलुस यही करता था, जहां भी उसने कलीसिया स्थापित की, जहां भी कलीसिया उसने स्थापित की, उसने लोगों को तैयार किया कि लोगों के द्वारा सूचना फैले, लोगों के द्वारा आश्चर्य हो, लोगों के द्वारा भविष्यवाणियां हो। हालेलुया। अकुरुंतु की कलीसिया तो ऐसी कलीसिया थी जहां पर हर व्यक्ति भविष्य करता था। प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति पहला कुंती 14 अध्याय निकाले 23-24 पर पढ़े। पौलुस अन्य भाषा कहां उपयोग करना चाहिए, भविष्यवाणी कहां उपयोग करना चाहिए, वो इस बात को सिखा रहा है। हाँ, एक जगह इकट्ठे हो, सबके सब अन्य भाषा बोले, लेकिन यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, हाँ, भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे, परख लेंगे। हालेलुया। क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कुरिन्थ की कलीसिया में वे भविष्यवाणी के वरदान से भरे हुए लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भविष्यवाणी के वरदान से भरे हुए लोग थे। हालेलुया। 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 प्रभु का धन्यवाद करता बीते समय अनेक भविष्यवक्ताओं के द्वारा और यहाँ पर कई भाई बहनों के द्वारा भी प्रभु ने यही बताया कि इस कलीसिया को प्रभु भविष्यवक्ताओं की कलीसिया को मैं देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये होता है, ये हमारी ओर से नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर ने इस वरदान को मिल रहे, लोगों को उपयोग कर रहे हमारे बीच में। हालेलुया। 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 तो पौलुस कह रहे हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 26 पद में कि जब तक यीशु ना आए तब तक उसकी मृत्यु का प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के मृत्यु के प्रचार करने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करने का मतलब है हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से, हर व्यक्ति वचन का प्रकाशन प्राप्त करे और हर व्यक्ति वरदानों से सुसज्जित होकर सेवकाई करे। हालेलुया। हर व्यक्ति वरदानों से सुसज्जित होकर सेवकाई। हालेलुया। कुरिन्थ की कलीसिया में वही कमी थी, वही गड़बड़ी थी, वही गड़बड़ी थी। वरदान तो थे उनके पास, प्रकाशन थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को जानते नहीं थे और इसलिए पौलुस को समझाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने मेरे वचन को ग्रहण किया, हाँ,
आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? मृत्यु के प्रचार करने का मतलब क्या है? मृत्यु का प्रचार करने का मतलब क्या है? मृत्यु का प्रचार करने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से भरना और प्रकाशनों से प्रकाशनों को पाना और वरदानों की सेवकाई के द्वारा लोगों को प्रभु के पास हाल में किसका दायित्व है? ये संपूर्ण कलीसिया का दायित्व है। ये संपूर्ण कलीसिया का, यदि अब तक आपने लगातार प्रभु भोज लिया और इस भेद को नहीं जानते, आज अपने जीवन का क्या करें? प्रभु हाथ में सौंप प्रेस करो। जो लोग जिन लोगों ने इसको समझ लिया और अब तक सेवकाई में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा आज एक नया निर्णय लेंगे। हालेलुया, एक नया निर्णय लेंगे। हाँ प्रभु, मैं तेरी मौत के रहस्य को समझ गया, मैं प्रभु भोज के रहस्य को समझ गया। हालेलुया, आप प्रार्थना करें। आइए हम अपने सारे खड़े हो।